और गाली देने वाले को मुंह तोड़ जवाब देता हूँ, मुंह बंद करा देता हूँ। जरूरत पड़ेगा तो लाठी डंडा भी मिलेगा। क्यों पुतला हमारा दहन करा रहे थे? मैंने किसी को बलात्कार किया था क्या? किसी को डकैती हमने किया था क्या? नहीं बैठ के खेला करेंगे तो ऐसे हमारा कर्तव्य मनोबल बढ़ेगा। राजनीति करते तो मनोबल तोड़वेने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए गाली देगा, माई बहन के लगा के गाली बकेगा तो कहे जाइए तो हम बुझ दे लगाए नहीं पैदा हुए हैं। मैदान छोड़ के भागा नहीं, मैदान से छुड़ा के भगा दिया गया बीजेपी का। वो लाठी से आवेगा तो लाठी से जवाब देंगे, जुबान से आवेगा तो जुबान से जवाब देंगे। बरही में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक आपस में वहाँ अच्छा WWE का फाइट दिखा रहे हैं। कौन किस पे भारी पड़ रहा है यही अब चर्चा का विषय है। हमारे साथ वर्तमान विधायक कांग्रेस के अकेला जी हैं। अकेला जी सुने, मतलब आप छोड़ के मैदान भाग गए। शायद आपको पता नहीं है कि 9 तारीख के घटना है, 8 तारीख के यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था जिसमें मैं भाग ले रहा था, और उसके बाद में 9 तारीख को हमारे मित्र इरफान साहब का ऑफिस में पदग्रहण करना था, मैं वहाँ था, मैं तो चौपारण में था नहीं। और हमारे अनुपस्थिति में यानी कि वो घटनाएँ घटी है। मैदान छोड़ के भागा नहीं, मैदान से छुड़ा के भगा दिया गया बीजेपी के लोगों को। तो पूर्व विधायक कह रहे हैं कि आप गोली बंदूक का लाठी डंडा लेके अपना आदमी को भेज देते हैं चौपारण में लड़ने के लिए, बरही बाजार में लड़ने के लिए, जहां मन करता वहां। अच्छा एक बात बताइए, हाँ आप एक बात जानिए कि मैं तो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ता हूँ, लाठी बंदूक का भाला लेके और रोड पर गाली नहीं देता हूँ मैं, और गाली देने वाले को मुंह तोड़ जवाब देता हूँ, मुंह बंद करा देता हूँ। जरूरत पड़ेगा तो लाठी डंडा भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आप किसी ने अधिकार दे दिया? 4 बार के विधायक है, गाली बक रहा है मेरा बेटा को। जब पुतला दहन हो रहा था मेरा तो हमारे आदमी तो नहीं गए आपके पास? पुतला दहन किया आपने हमारा, और जब मेरा आपका पुतला दहन हो रहा था तो वहाँ जा करके गाली गलौज करने की क्या आवश्यकता थी? आपका क्या कारण है? क्यों पुतला हमारा दहन करा रहे थे? मैंने किसी को बलात्कार किया था क्या? किसी को डकैती हमने किया था क्या? मैं तो वहाँ रांची में था। रांची से बैठ के खेला कर रहे हैं वहाँ, रांची से बैठ करके दुनिया खेला करता है, नहीं बैठ के खेला करेंगे तो ऐसे हमारा कर्तव्य मनोबल बढ़ेगा। राजनीति करते तो मनोबल तोड़वेने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए और अत्याचार करने के लिए मनोबल नहीं बढ़ाते, अत्याचार को समाप्त करने के लिए मनोबल बढ़ाते हैं। वो लाठी से आवेगा तो लाठी से जवाब देंगे, जुबान से आवेगा तो जुबान से जवाब देंगे, और शालीनता से आवेगा तो शालीनता से जवाब देंगे। आपके साथ भी कांग्रेस खड़ी नहीं दिख रही? हमारे साथ कांग्रेस खड़ी है, क्या बात करते हैं। हमने कहा कि 2 तारीख के बाद हमारे साथ वहाँ जाएंगे लोग। अच्छा हाँ, अभी तो सदन चलेगा, सदन में जवाब देना है बीजेपी को, और वहाँ हम करेंगे। अभी 2 तारीख के बाद जाएगा लोग। इस बार तो कह रहे हैं कि जनता आपको हरा रही है, मनोज यादव जी का दावा है कि बीजेपी। मनोज यादव का दावा तो वो भी था, अपने आप को बहुत बड़ा सुरमा समझता है, जो रोड पर बेइज्जत होता है। सुनिए उनका आवाज़, यानी है हिम्मत तो छापिए। छापे हैं, चलाए हैं, आप सुनिए पहले हमारी जवाब सुनाइए। हाँ ये किए हम जवाब, हम गाली बक रहे हैं कि वो कर रहा है। घूमते देख लिए, उसके बारे में तुम नहीं बोलेंगे जहाँ भी हमें बल कितना ना। तो ये तो आपको गाली नहीं दे रहे हैं ना। अरे वो बाप बेटा किसको कह रहा है आपको जानिए तो, बाप बेटा किसको कहता है? मेरा बेटा और हमको कह रहा है। तो आप चौपारण थाना के सामने सुने युद्ध क्षेत्र बना दिए थे, इसी गुस्सा से कहा युद्ध क्षेत्र बनाएंगे? वहाँ आप गलत गलत बोलते रहते हैं, तो आप गलत गलत बोलते हैं, हम युद्ध क्षेत्र में बनाते हैं, युद्ध को समाप्त कर देते हैं। देखिए ये सुनिए ना, हम सुन लिया नहीं, आप सुनते हैं, आप खाली एकदम उसका पक्ष लेते हैं। हम सुने, हम चले नहीं, आप नहीं चले नहीं, बताइए मैं गाली दे रहा हूँ कि वो गाली दे रहा है, इससे आपको इंसाफ करिए, बताइए आप वो गाली दे रहा था कि हम गाली दे रहे हैं। कोई आपको अपशब्द कहेगा तो उसको पीटने चले जाइएगा, आप विधायक हैं आपके पास। अरे हम पीटे गए हैं, अब आन के गाली बकेगा, हम इज्जत उतारेगा तो उसको माला पहनावेंगे? गजब आदमी है, गाली देगा माई बहन के लगा के गाली बकेगा तो कहे जाइए तो हम बुझ दे लगाए नहीं पैदा हुए हैं। लाठी का जवाब आप लाठी से देंगे, बंदूक का जवाब बंदूक से देंगे। यदि जो हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ, तो हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार हैं।
तो किस बात को लेकर नूरा कुश्ती आप दोनों? अरे यार चुनौवे खातिर, आपको ठीक खातिर हो रहा है का? जमीन जायदाद के हो रहा है? 2024 में कौन जीतेगा, कौन ताकत दिखाएगा? तो क्या फिर मतलब कहीं पे युद्ध स्थल हो, अगर जब युद्ध करके जीतना है तो कहीं पे बैठा दिया जाता है आयोग, चुनाव आयोग की टीम का जो जीतेगा उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा? उससे होता है कहीं? लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। तो ये लाठी गोली बंदूक कहाँ से निकल जा रहा है? आप भी निकाल रहे हैं, वो भी निकाल रहा है। भैया हमने गाली कहीं देखा है? वो गाली दे रहा है से सुन रहे हैं, हमने दिया गाली दिया उसको कभी? भाई सरकार छोड़िए ना, वो तो सरकार को भी ऊपर ऊपर है, सरकार से ऊपर है तब ने गाली पकड़ा है सरकार के आदमी को। तो आपका तो सरकार है, आप इसी वजह से FIR करा रहे हैं या दबाने की कोशिश कर रहे हैं? वो कहेंगे नहीं, हमने नहीं FIR कराया। जिसके घर में गया, जिन जिन लोगों के घर में रात में गुंडागर्दी करने के लिए गया वो FIR किया है, मैंने नहीं किया, मैं तो यहाँ था। कौन पूर्व विधायक जी रात में गए घर में? तब क्या बात करते हैं, 8 घर गया, हम तो यहाँ हैं। पर वो तो मतलब भाजपा इस तरीके का बात कबूल ही नहीं कर रही है कि मतलब भारतीय ने भाजपा नहीं कर रही है तो वहाँ जिसके घर में गया वो तो FIR किया भैया, हम तो नहीं किए। आगे क्या करने का इरादा है आपका? अभी कौन चीज़? अब हम तो नहीं चाहते हैं कि अशांति हो, हम नहीं चाहते हैं कि बिना मतलब का झगड़ा हो, बिना मतलब के किसी पर शोषण किया जाए, बिना मतलब का किसी को गालियां बका जाए, हम इसको कभी टॉयलेट नहीं करते हैं। लेकिन उनका आवाज़ सुनिए, सुन के इंसाफ करिए। यदि जो पत्रकार बंधु आप हैं, बुजदिल पैदा हुए हैं क्या? गजब आदमी हो भाई, हैं बुजदिल कोई पैदा हुआ है क्या? जब कह दिए कि मैं भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की अनुयायी हूँ, वो उन्होंने ऐसे अंग्रेज के नहीं मार रहा था तब मारा कि हमारे साथ अन्याय मत करो, तुम भागो यहाँ से। ठीक है, शुक्रिया। अकेला जी का यही जवाब है, लाठी का जवाब लाठी से, बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाएगा। अब पूर्व विधायक वर्तमान विधायक में कर रहे लड़ाई खेत का नहीं है, लड़ाई है लोकतंत्र का, कौन विधायक बनेगा। जनता को तय करना है कि इन दोनों के ही बीच में किसी का चयन करना है या फिर तीसरे का चयन करना है। कह रहे हैं पार्टी भी मेरे साथ खड़ी है और सरकार भी, हम अकेले नहीं हैं। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in।